ये दोनों में फर्क है। तो अभी मैं जैसा आउटपुट चाहता हूं वो आउटपुट तो हमारे पास नहीं है, कैसा आउटपुट है वो मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, फिर हम एक्चुअली क्या आउटपुट चाहते हैं उसको भी लेके आएंगे। दो वर्ड अभी बचे हैं। तो देखिए आप बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो उसके दो एंगल हैं। एक एंगल है जिसको हम कह रहे हैं कि स्किल आदमी के पास आ जाए, पेट भरने का जुगाड़ उसके पास आ जाए। एक पार्ट स्किल है, दूसरा पार्ट माइंडसेट है। मानसिकता है। स्किल का मतलब गुजराती में क्या बोलते हैं? कौशल। मैं कौशल लिख देता हूं तो आप समझ लेना गुजराती में लिखा कौशल। तो हमारी सारी एजुकेशन अभी हम जो दे रहे हैं वो कौशल या माइंडसेट, कौन सी एजुकेशन कौशल में आती है, कौन सी माइंडसेट में आती है? इंजीनियरिंग किस में आएगा? कौशल में आएगा। तो इंजीनियरिंग हो गया। मेडिकल साइंस कौशल, और हम खेती करें, एनिमल हस्बेंड्री करें, गौपालन करें, बिजनेस करें, ठीक। क्या हम कोई ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं जो मानसिकता की तरफ जाता है, मानसिकता में आएगा है? नहीं। अभी रेगुलर एजुकेशन की बात कर, रेगुलर एजुकेशन में क्या ऐसा है जिसके थ्रू हम एक माइंडसेट देते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड देते हैं? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की तो पूछो मत, बहुत बुरी हालत है। पहले कम से कम कंट्री के लिए खेलते थे, अब तो सबकी कीमत होती है और जिसने कहीं से भी पैसा कमाया वो सबको खरीद लेता है और बिकने वाला बहुत खुश होता है, मैं इतने लाख में बिका हूं। और सारा गेम कुल मिला के सट्टा लगने का जुगाड़ हो गया। हाँ जी, हाँ जी, माइक माइक पीछे माइक। अपब्रिंगिंग बस आप चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई बोलिए। एजुकेशन में हम ऐसा क्या दे रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके थ्रू हम एक माइंडसेट देते हैं, सोचने का तरीका, समझने का तरीका देते हैं? वैल्यू एजुकेशन का क्या हाल है वो आप जानते हैं सर? हिस्ट्री सिविक्स आल्सो आई थिंक कम्स अंडर। ओहो हो 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 हो, ज्योग्राफी। चलो इधर से समराइज कराता हूं। देखिए एक माइंडसेट मैं लिख देता हूं, कितने लोगों के पास ऐसा माइंडसेट है मैं आपसे पूछूंगा। कितने लोगों को लगता है कि धन ही सब कुछ है और सुविधा ही जीवन शैली है? और इंद्रियों में सारा सुख, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान और कुल मिला के पैसा ही मेरी आइडेंटिटी और पैसा ही मेरी फ्रीडम, पैसा ही मेरा स्टेटस और कुल मिला के आजकल वो द्वीप खरीदते हैं ना, द्वीप क्या बोलते हैं, आयरलैंड खरीदते हैं।
कितने प्रतिशत लोग समाज में इस माइंडसेट के साथ हैं कि पैसा ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है और इंद्रियों में सारा सुख है। ओह बड़ी छांट के फिगर निकाली। कोई भारी सर्वे रखा है। और ये भी सोचने की बात है कि पिछले 30 सालों में 40 सालों में ये प्रतिशत घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो इससे ये समझ में आता है, और एजुकेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? बढ़ती हुई दिखाई देती है। नहीं, एजुकेशन तुम दे ही रहे ना कि गांव-गांव में स्कूल खोल दिया, और पर आप दे तो वही रहे हो। नहीं देते हो, दिलवाते हो अपने बच्चों को, हम वही दे रहे हैं। हम उसको नकारें या स्वीकारें, या उसको हम डिफाइन करें कि ये एजुकेशन नहीं है, ये तो लिटरेसी है, ऐसा है वैसा है, फाइनली ये तो हमारी बैठ के चर्चा करने की बात है, हो वही रहा है। जितने भी अच्छी थॉट प्रोसेस के सारे स्कूल्स हैं वो 5th और 8th के आगे एजुकेशन नहीं दे पाते, चाहे वो कोई भी वैली है या वो कोई भी है ना, जो भी किसी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के स्कूल होते हैं। तो फाइनली तो उसको IIT में जाना है, फाइनली उसको IIM ही जाना है, फाइनली जाने की जगह यही है, जो नहीं जा सके उससे कम में संतुष्ट होगा या कुछ और करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि गांव में देखें, शहर में देखें, शिक्षित में देखें कि अशिक्षित में देखें, कितने प्रतिशत लोग हैं जिसका ये माइंडसेट, और ये माइंडसेट लगातार और गहरा होता हुआ और ये फैलाव लेता हुआ कि पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? देखो, तीन सब्जेक्ट बहुत क्लियर हैं जो बेसिकली माइंडसेट को देते हैं। तीन सब्जेक्ट बहुत क्लियर हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक आदमी की साइकोलॉजी तो डायरेक्टली मानसिकता की बात ही करता है, सोशियोलॉजी एक सामाजिक मानसिकता की बात करता है, और अर्थशास्त्र पैसे के प्रति आदमी के दृष्टिकोण की बात करता है। तीनों कुल मिला के कितने लोग हैं जिन्होंने MA सोशियोलॉजी किया और उनको समाज समझ में आ गया और उन्होंने समाज में कोई इंटरवेंशन किया? MA सोशियोलॉजी जॉब पाने के काम आता है कि समाज में किसी रिफॉर्म के काम आता है? MA साइकोलॉजी में साइकोलॉजी करने वाले को अपना साइके समझ में आया? अक्सर साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट के लिए हेडेक होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। इसका मतलब है कि MA साइकोलॉजी भी हमारे लिए जॉब है, MA सोशियोलॉजी भी हमारे लिए जॉब है, हमारे लिए कुल मिला के सब कुछ जॉब ही है। जॉब का मतलब है दो पैसे हैं, घर चलाना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सारी की सारी शिक्षा केवल और केवल स्किल है, और वो स्किल के लिए भी हमको, मेरा घर चलाने के लिए भी मुझको कॉन्फिडेंस दे दे, हमको मुंह चलाना आता है और पेन चलाना आता है, हाथ चलाना हमको आता नहीं है, ये हमारी एजुकेशन का लिमिटेशन है। इवन इंजीनियरिंग करके भी हमको मुंह चलाना और पेन चलाना ही आता है। तो इन सारी लिमिटेशंस को देखेंगे तो सही अर्थों में पेट भरने का जुगाड़ भी हम जब फील्ड में आ जाते हैं वहां सीखना शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी का गोल्डन टाइम, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली एजुकेशन जो है बच्चों के द्वारा कुछ पेरेंट्स के लिए की गई समाज सेवा है। मेरा कुछ कहने से आपको खराब लग सकता है ना, लेकिन सही अर्थों में देखें तो जिंदगी का गोल्डन, कितने साल ले लिए हमने, कितने साल ले लिए, यदि 12th तक की एजुकेशन की बात करेंगे तो 15 साल ले लिए, और यदि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो 20 साल ले दिए, गलती से मेडिकल साइंस में चला गया तो 30 साल ले। 20 से 30 साल लेके आदमी की जिंदगी की दो ही जरूरत है, पेट भर जाए, मन भर जाए, और क्या चाहिए? इससे और क्या चाहिए आदमी? पेट भरने का जुगाड़ आ जाए, मन भरने का जुगाड़ आ जाए। हम पेट भरने के जुगाड़ की घोषणा कर रहे हैं, और एक बच्चा जितना क्लास 1 से KG से लेके और यूनिवर्सिटी तक फीस देता है उसका ब्याज भी अपनी सैलरी में नहीं निकाल पा रहा है।
हमारे लिए एजुकेशन बच्चों को देने के लिए कुछ है कि वो हमारा करियर है या किसी का प्रॉफिट है या किसी की कंपनी है, ये कभी सोचने लायक बात है। लेकिन पिक्चर ये कहती है कि क्या मैं या ऐसा इस माइंडसेट का व्यक्ति के लिए साधन इंपॉर्टेंट होगा कि संबंध इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी, चल पा रहे हैं साथ साथ? इस माइंडसेट के व्यक्ति के लिए साधन इंपॉर्टेंट होगा कि संबंध इंपॉर्टेंट होगा? साधन इंपॉर्टेंट होगा, इसको है ना, इसको अपने जीने का भरोसा पैसे के साथ आएगा कि इसको अपने जीने का भरोसा किसी व्यक्ति के साथ आएगा? इसको अपने जीने का भरोसा, इसका सम्मान, इसका स्टेटस, इसकी खुशियां, इसकी स्टेबिलिटी, सब कुछ कहां है? सब कुछ पैसे में है। वो एक इंडिविजुअलिज्म है, एक इंडिविजुअलिटी है। आदमी के साथ जीने का इसका कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी इसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई मटेरियल इसके पास है भी नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब है कि मानसिकता वाला पार्ट ब्लैंक है, बल्कि नेगेटिव है, ब्लैंक नहीं है, नेगेटिव है। और वो हम बाई एजुकेशन दे रहे हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मानसिकता का मतलब है कि एक आदमी का धन के प्रति दृष्टिकोण क्या हो, एक आदमी का स्त्री और पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण क्या हो, और एक व्यक्ति का मानव और नेचर के साथ व्यवहार करते समय उसका दृष्टिकोण क्या हो। इसका नाम माइंडसेट है। संसार के सारे लोग जितने इस धरती पे आए हैं, जितने इस धरती पे हैं और जितने कल आने वाले हैं, जब भी एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यक्त होगा, जब भी एक व्यक्ति परिवार में जिएगा, समाज में जिएगा, वो एक माइंडसेट, उसका जैसा भी माइंडसेट है, जब भी वो एक्सप्रेशन में आएगा, उसके तीन ही डायमेंशन है। एक डायमेंशन है कि पैसे के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है, एक दूसरा डायमेंशन है कि स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, तीसरा एक है कि मानव और प्रकृति के साथ वो जिएगा तो उसके पीछे उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। इसका नाम स्टेट ऑफ माइंड का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में आएगा तो तीन ही डायमेंशन है, चौथी डायमेंशन नहीं है। कोई हो तो आप बता दो। देखिए, इस दर्शन की एक खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है आपसे मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है, प्रपोजल है। आप माने ऐसी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जब मैं तीन कह रहा हूं तो मतलब तीन ही है। चौथा कोई चीज है आपको लगता है तो आप शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे मानव के साथ परिवार में या अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में व्यक्त होगा तो तीन ही डायमेंशन में व्यक्त होगा, या नेचर के साथ व्यक्त होगा, तो पैसे के प्रति उसके सोचने का तरीका कैसा है, फिजिकल रिलेशंस के स्त्री पुरुष संबंध के बारे में उसका सोचने का तरीका कैसा है, और मानव और नेचर के साथ जब वो जिएगा तो दोनों के प्रति व्यवहार करने को लेके उसका सोचने का तरीका कैसा है। बढ़िया, कहां पहुंचे? ओह, ब्रेक का साइन दिया था, मैं भूल गया, सॉरी, दो मिनट बस। तो ये हमारी क्लैरिटी बनी। तो एजुकेशन में फिलहाल हम जो कुछ भी थोड़ा पॉजिटिव कर पा रहे हैं तो किस पार्ट में कर पा रहे हैं? स्किल वाले में फिर भी कुछ हम पॉजिटिव कर पा रहे हैं। जो भी कुछ हमारी सफलता है ना, स्किल वाले पार्ट में हम कुछ पॉजिटिव कर पा रहे हैं, कुछ कमी है तो उसको हैंडल करेंगे, लेकिन माइंडसेट में कुछ पॉजिटिव कर पा रहे, बल्कि माइंडसेट तो नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ज्यादा प्रॉब्लम की सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ी है। इन सारी चीजों को देखेंगे, कुछ पॉजिटिव हुआ है, लेकिन माइंडसेट की बात करेंगे तो प्रॉब्लम। तो यदि व्यक्ति के लिए साधन इंपॉर्टेंट है तो संबंध की क्या स्थिति बनेगी, और फाइनली फिर परिवार और समाज की क्या स्थिति बनेगी, और गाड़ी किधर जाएगी। मैं कमल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी 10 साल डबोई में मैंने काम किया एजुकेशन में, अब निवृत्त हूँ तो यहाँ काम करता हूँ। पहले जो हमारे वो बात हुई वो ये हुई कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। अपने लिए सुनना है, सुनते समय कंपैरिजन नहीं करेंगे,
मतलब फिलोसॉफी के कंपेयर नहीं करेंगे। भूतकाल में घटी घटनाओं को साथ में लेके नहीं चलेंगे, वैचारिक तुलना से बचेंगे, चित्त का बोझ है इससे बचे, स्वयं को केंद्र में रखें। समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। मानना नहीं है, जानना है। धर्म मानव मानव में सबसे दूरी का कारण है। स्वयं को केंद्र में रखकर जीना है। बढ़िया, और कुछ? हाँ जी, माइक बाजू में, परिचय करते जाइए। या दिव्यांग व्यास, आत्मे यूनिवर्सिटी, राजकोट। नेचर में हर एक एंटिटी कुछ नियम से जीती है, तो ह्यूमन का भी कुछ नेचुरल बिहेवियर होगा, उसको समझना जरूरी है, और ये इसका तात्पर्य, मींस दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ शेयर करने का मन हो? हाँ जी, माइक बाजू। आपने ये जो समझाया, मैं गीता पटेल, सूरत से हूँ, और हमारा क्लासेस है, मैं टीचर अशोक पटेल है। अच्छा 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 आपने पता है सर। मेरे को तो इनको देख के बहुत प्यार आता है, आपको आता है कि नहीं? कुछ ज्यादा आता है पर झगड़ा कम नहीं होता वो प्यार वाली चीज अलग है, वो झगड़ा अलग है। प्यार है तो झगड़ा है, प्यार नहीं रहेगा तो झगड़े की जरूरत क्या? तो झगड़ा हो रहा है, ये अच्छी सूचना, इसका मतलब प्यार बचा है। क्वेश्चन है वो पूछू कि क्या समझा वो जवाब? आपकी इच्छा। आपने ऐसा बोला कि धर्म है वो मानव मानव के बीच में दूरी का रीजन, जोड़ने की भी कोशिश हुई है, उसमें भी कोई सफलता मिली है। हाँ। लेकिन अभी यात्रा भी शेष। हाँ, पर मैं ऐसा, मुझे जो लगा हुआ ऐसा है, धर्म का ऐसा कुछ शायद नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है वो संप्रदाय का, धर्म यानी अभी तो हम संप्रदाय को ही धर्म बोलते हैं। हाँ, धर्म यानी हमारे जिसको भी ये सपोज ये कंटेंट है, तो जिसके भी भीतर से आया ये कंटेंट, तो ये स्वयं धर्म बन चुका। तो धर्म के रीजन से नहीं है, संप्रदाय के रीजन से है। मान लेता हूँ, क्योंकि अभी हम जब धर्म पे आएंगे तब धर्म पे बात करेंगे। हाँ। क्योंकि जब शुरू कर रहे थे तो मैंने कुछ संदर्भ इधर उधर से छेड़ दिए, ताकि ये एक ध्यान में आ जाए कि हम क्या क्या बात करने वाले। ठीक है, बस यही बस पूछना था, ऐसा नहीं कि मैं करेंगे 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 सब बात करेंगे। ठीक, देखिए, अच्छी इस सभा की एक मर्यादा ये है कि इसकी कोई मर्यादा नहीं है। आप कुछ भी उपटांग क्वेश्चन करोगे, कोई भी पर्सनल नहीं है, कुछ भी कहीं से भी बात कर सकते हैं, दुनिया जहां से कहीं से भी क्वेश्चन आप ला सकते हैं और सब पे बात होगी। इतना ही होगा, कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसा बोल दूंगा कि इसकी कल बात करेंगे। ये दर्शन आपको ये आश्वासन देता है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसको आपको जांचना है, मानना नहीं है। जितना क्वेश्चन आपके मन में आता है कम से कम कॉपी के बैक साइड में लिखते जाएं, रात को सोते सोते भी नींद खुले और लगे क्वेश्चन है तो एक बार उसको कॉपी के बैक साइड में लिख डालिए, क्योंकि प्रश्नों के जंगल खत्म होते हैं, वहां से जिंदगी की शुरुआत होती है। यदि हमारे प्रश्नों के कोई सेटिस्फाइंग आंसर ही हमारे पास नहीं है तो जिएंगे क्या? मुझको किसी यात्रा के लिए निकलना है तो मेरे पास एक पहले कन्फर्म एड्रेस की जरूरत है। जब तक कन्फर्म एड्रेस मेरे पास नहीं है तब से मैं घर से बाहर पैर नहीं निकालता हूँ। तो जिंदगी का कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है और हम निकले हुए हैं, तो कोई किसी को देख के जी रहा है, कोई किसी को देख के जी रहा है, और सबके एड्रेस गलत होने की संभावना भी है। किसी का एड्रेस गलत हो तो कितनी मेहनत करेगा कि मंजिल पे पहुंच जाएगा? किसी का एड्रेस गलत है तो वो कितनी मेहनत करे कि मंजिल पे पहुंच जाएगा? और यही बता सकता है कि कोई नहीं पहुंचेगा। और मैंने 30 साल मेहनत करके देखा, मैंने 50 साल मेहनत करके देखा,
लास्ट में अंतिम ज्ञान क्या रहेगा, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया, अंतिम ज्ञान इतना ही है, जबकि नेचर ऐसा नहीं है, इसको समझेंगे। चलिए, तो जितनी बात हमने कहने की कोशिश की उसमें बेसिकली एजुकेशन को टच करके हमने ब्रेक किया था। तो एजुकेशन में कहने की कोशिश की कि आदमी को देखें तो आदमी की दो ही जरूरतें हैं, पेट भर जाए मन भर जाए, इतना ही तो काम है, ज्यादा काम कहाँ है। पेट भरने के जुगाड़ के रूप में कोई स्किल्स को देने के काम हमने एजुकेशन के थ्रू सोचा है, उसमें भी हमको मैंने कहा कि मुंह चलाना आता है, पेन चलाना आता है, हाथ चलाने हमको आते नहीं है, कोई स्किल, प्रैक्टिकली कोई स्किल हमारे पास नहीं है। हमारी इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसी स्किल है जिसको करके आप अपने गांव शहर में रह सकते हो, बाकी तो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये चार जगह आपको जाना ही पड़ेगा, अपने शहर में कोई गुजारा है नहीं। और अभी दूर जाने की उसकी वजह से जरूरत नहीं है, अब घर में माँ बाप के साथ जीने में मजा नहीं आता है या हमारी फ्रीडम में बाधा है, है ना, तो भी उसी शहर में हमको अलग रूम लेकर रहना ही पड़ता है। तो इस तमाम तरह की समस्याएं हमारे बीच में, ऐसा हम करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, हमारे भी कोई जेन्युइन रीजन हो सकते हैं जिसको शायद दोनों को समझने की जरूरत है। तो फाइनली हमने कहा कि देखो, मानसिकता की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं एजुकेशन में, बल्कि एक नेगेटिव मानसिकता, नेगेटिव मानसिकता का मतलब है इनकम्प्लीट मानसिकता, अधूरी मानसिकता, जिसमें कि हमने कहा कि धन ही सब कुछ है, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करें, अल्टीमेटली माँ बाप को भी बच्चे का पैकेज बहुत अच्छा लग गया तो यही खुशी की बात है। रिलेशन का क्या हुआ, मीनिंगफुलनेस का क्या हुआ, जिंदगी का क्या हुआ, उसकी चर्चा नहीं है। तो गैप जो है उसको पहचानने की हमने कोशिश की है। वर्तमान एजुकेशन हम विश्व में कहीं से भी पाएं, वर्ल्ड क्लास किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, फाइनली हम स्किल की ही बात कर रहे हैं, माइंडसेट की बात बहुत अधिकार के साथ बहुत प्रैक्टिकली डिलीवर करके कर पा रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो गैप के रूप में पकड़ में आ रहा है कि माइंडसेट वाला पार्ट एड्रेस, जबकि स्किल को यूज करने वाला कौन है, ये स्किल को यूज करने वाला कौन है, जैसा माइंडसेट है, जैसा मेरा माइंडसेट होगा तो स्किल को यूज करने वाली चीज माइंडसेट है, और माइंडसेट के बारे कोई क्लैरिटी नहीं है तो इधर भी हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे कि आपने कहा कि 4 लाख रुपए से कम में क्या चलेगा, अब 4 लाख रुपए से कम में क्या चलेगा ये कौन तय करता है, स्किल तय करती है कि माइंडसेट तय करता है, माइंडसेट तय करता है, और माइंडसेट में 4 लाख कैसे तय हो गया अभी ये भी पता नहीं है, अभी 4 का 14 कैसे होगा ये भी पता नहीं है, और 14 का 140 कैसे होगा ये भी अभी आज पता नहीं। तो फाइनली प्रॉब्लम इधर की नहीं है, प्रॉब्लम इधर की है और इसका हमको पता नहीं है, इसलिए इधर भी सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है। चलिए, क्यों ऐसा है तो हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम का यदि रूट कॉज जाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यदि एड्रेस गलत है तो कितनी मेहनत करके हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक, तो मेरी तरफ से ये कहना है कि हमारे पास जिंदगी का एड्रेस नहीं है, या वो इनकम्प्लीट है, या वो गलत है, या कभी कभी जिंदगी के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि उस पर हमारा कोई अधिकार बनता है तो फिर उसको हैंडल भी कर सकते हैं। जैसे दो लाइन हमने बहुत सुनी है कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो यहां बैठे लोगों का सर्वे कर लेते हैं, कितने लोग खाने के लिए जिंदा हैं, एकमात्र लक्ष्य ढोकला खाखरा फाफरा, कोई नहीं, किसी सभा में कोई नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ पूछ लेता हूं, कितने लोग जीने के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, इसका मतलब सभी लोगों को पता है कि जीना क्या होता है, क्योंकि आप जीने के लिए खा रहे हो, ये क्लैरिटी हो गई। तो लॉजिकली ये निकल के आया कि हमको पता है कि जीना क्या होता है, तो कितने लोग जी रहे हाथ उठाएं, कितने लोग जी रहे हाथ उठाएं, हाथ उठाने में तो संकोच नहीं, मिलो खाना मिलेगा दोपहर को। ठीक, तो हम अधिकांश लोग
का ऐसा मानना है कि हम जी रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फिर लोचा कहाँ पे है। तो दो शब्द पे बात करने की कोशिश करेंगे, एक शब्द जिसको हम कहेंगे कि जिंदा रहना, एक दूसरा शब्द है जिसको हम कह रहे हैं कि जीना। चलिए देखिए कुछ बढ़िया चीज निकलने वाली है आज दोपहर शाम तक, ये क्लैरिटी हमारी बन जाएगी कि गैप्स कहाँ पे हैं, और आप सभी यदि गैप्स पहचान पाने में शाम तक हम समर्थ होते हैं कि गैप्स हमने पकड़ लिया। जैसे कि मैंने पहले आपसे पूछा, हम में से कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी में कोई अधूरापन है, हमको कोई चीज की तलाश है, कहीं जिंदगी में कोई खालीपन है, जो कुछ सोचा था सब कुछ पाने के बाद भी कुछ और भी शेष है जो मैं पाना चाहता हूँ, कभी उसको शब्दों में कह पाता हूँ, कभी शब्दों में नहीं कह पाता हूँ, लेकिन अधूरापन तो किसी ना किसी रूप में फील होता है। तो उसको हम क्लियरली पहचान, उंगली रख के पहचान पाए और फिर कैसे हैंडल करना है उसको अगले 6 दिन में हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी कॉपी में, जैसे मैंने बोर्ड पे चार्ट बनाया है ऐसे बोर्ड पे चार्ट बनाइए, और अपनी अपनी कॉपी में डिफ्रेंशिएट करें कि जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर है, कितने तरह से आप उसको पहचान सकते हैं, एक बार पहचानने की कोशिश करें। स्वनिरीक्षण पूर्वक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, अपनी जिंदगी में सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें। जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? अलग अलग है, ऐसा तो दोनों को लिखने से तुरंत लगने ही लगता है कि दोनों अलग अलग है ना, लेकिन कैसे अलग अलग है इसको पहचानने की कोशिश करें। बनाइए। विशाल दोषी फ्रॉम भरूच जी। जिंदा रहना, खाना पीना घूमना, जीना, सुख शांति संतोष। जिंदा रहना लिमिटेड चीजें चाहिए, जीना यानी अनलिमिटेड सुख शांति संतोष अनलिमिटेड। परिवर्तनशील जिंदा रहना, जो भी चीज चाहिए वो सारी परिवर्तनशील है, आज ये अच्छा लगेगा कल नहीं लगेगा, ये सारी चीजें जीने में है वो अपरिवर्तनशील है। जिंदा रहना मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, यहाँ पे नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें है। जिंदा रहना में जो भी आनंद है वो सुख है वो सामायिक है, जिंदा रहने में जो भी सुख है वो निरंतर है, कंटिन्यूस है। जिंदा रहने में पैसे से खरीद सकते हैं, यहाँ पे समझ से पा सकते हैं। जिंदा रहने में टेंजिबल, जीने में फीलिंग्स। जिंदा रहने में न मिलने से तन बीमार होता है, जीने में न मिलने से तन मन दोनों बीमार होते हैं। कैसे लगे, ताली बजा सकते? हाँ जी, और पीछे एक माइक। हेलो सर, जिंदा रहना एक फिजिकल एक्टिविटीज है, फिजिकल टर्म्स में, एंड जीना जो है वो हमारा साइकोलॉजिकल है। जीते सभी लोग हैं, यहाँ पे सभी लोग जिंदा हैं, पर जीना जो कुछ अच्छे काम करके गए, जो जिसको लोग याद करते हैं वो जीना हुआ। दूसरा मेरे को याद करे तो मैं जी रहा हूँ, नहीं लोग जिसको याद करें। हाँ, मतलब मेरे को दूसरे याद करे तो मैं जी रहा हूँ। हाँ, तो मैं जी कामों के लिए जो भी है, और नहीं याद करे तो फिर वो जीना जीना नहीं हुआ ना। अच्छा। जीने के लिए हमें जिंदा है तो हमें फाइट जो है हमारी ह्यूमन टू ह्यूमन या ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है, एंड जीने के लिए हमारी लगभग जो फाइट होती है अपनी इनर फीलिंग्स के साथ होती है। फाइट तो रहेगी। फाइट तो है, फाइट तो है ही। सर टू लिव, हमको फ्रेंड्स आप कहां चाहिए। थोड़ा सा ना ऐसे घुटनों पे ऐसे हो जाए करो, घुटनों पे। हाँ, ऐसे, इसमें तो दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे। To live, friends चाहिए, neighbors चाहिए, फिर relatives चाहिए। To be alive, मुझे mates चाहिए। और दूसरा है, to live, job चाहिए। And to be alive, I have to enjoy the job, according to। चलिए, बढ़िया। हाँ जी, और हाँ जी, पीछे माइक। हेलो, कहाँ हैं आप? यहाँ पर सर। हाँ, मनीषा फ्रॉम भरूच, आनंद निकेतन परिवार जी।
सर जिंदा में हमने एक ऑब्जर्व लिखा है अपने हिसाब से, जो भौतिक सुविधाएं होती है वो आपको जिंदा रखती है, और जो माइंडसेट है जहाँ पर आपको मन से सुख मिलता है कि हाँ मैं ये करूँगी तो मुझे सुख मिलेगा या मज़ा आ रहा है, तो वो जीना होता है। जैसे शादी में जाना है तो मोस्टली सबके लिए यही रहेगा कि बहुत खुश रहेंगे तो वो जीते हैं। तो शादी में जाना जीना है मन से शादी में जाते हैं तो मजा आता है। बट जैसे कपराड़ा के लिए वर्कशॉप के लिए बोला 8 दिन का, तो कभी ऐसा लगा कि ये जिंदा है तो जाना है। बट शायद 6 दिन की वर्कशॉप के बाद हम जरूर जिएंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है, खुल के बोलना ही ठीक है। हाँ जी, खूब खुल के बोलिए। हेलो। हाँ जी, कहाँ है सर? माइसेल्फ मेजबिन पटेल फ्रॉम भरूच आनंद निकेतन। जिंदा होना मतलब अपने मन की न चलना, जीना मतलब अपने मन की चलना। देखो ध्यान रखना एक एक चीज है ना, ये बहुत मतलब जब ये शेयरिंग आ रही है तो हमको लग रहा है ठीक ही तो है, लेकिन ये सारी शेयरिंग को ध्यान में रखेंगे और जो फाइनली जिंदगी सामने आएगी तो पता चलेगा। तो इन्होंने कहा कि मनमानी कर लें तो इसका नाम जीना है। हाँ। जिंदा होना मतलब हम डेली रूटीन मशीन लाइफ फॉलो करते हैं। हाँ। और जीना मतलब हम अपने हिसाब से प्लान करते हैं और एंजॉय करते हैं। वही मनमानी चल जाए तो जीना। जिंदा होना मतलब हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे खुश हो जाए, कोई थोड़ा सा तारीफ कर दे। और जीना मतलब हम खुद की खुशी के लिए काम करते हैं। जिंदा होना मतलब वी फॉलो समवन समथिंग, एंड जीना मतलब वी डिसाइड मनमानी चल रहा है। जिंदा होना मतलब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अपनी डिजायर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जीना मतलब सिर्फ वही मनमानी चलाना। यस, तो सर बार सार इतना ही था कि मनमानी चल रहा है। हाँ जी, बढ़िया माइक। हाँ जी, बोलिए बोलिए, पूछे बोलिए। सर जिंदा रहना मतलब जिंदगी के जो भी दिन है उसको जैसे तैसे खत्म करके पूरा करो, और जीना मतलब जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करो, खुशी से जियो। कैसे करो? जीवन के हर एक पल को खुशी से। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मतलब उसमें से हम लोग को खुशी ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। मतलब हम लोग कहाँ से खुशी का पल ढूंढे वो हमारे पर निर्भर है। हम लोग कहाँ से खुशी ढूंढे, अपने आप को कैसे खुश करे, वो हमारे पर है। तो जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करो और खुशी खुशी से पूरा जीवन बिताओ, उसको जीना है। ये बोलने में ठीक लग रहा है कि प्रैक्टिकली भी हो सकता है? प्रैक्टिकली सर हो सकता है। हेलो, मेरा नाम देसाई नरेंद्र है, अहमदाबाद से। तो जिंदा रहने में तो बहुत सारी बातें आ गई, जैसे हम लोग जैसे जीते हैं और सब जीते हैं, और जीने में कुछ बहुत कम वक्त होते हैं। जैसे कि कुछ बातें ध्यान में आ रही है कि जॉय ऑफ गिविंग, जैसे किसी को कुछ देते हैं तो वो मतलब जो फीलिंग आती है वो ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए जी गए। और पूरा सामान दे दिया, घर में कुछ नहीं रहा तो फिर वैसे ही मुश्किल होगी। और फिर एक पल एक ऐसा है जैसे कोई डांस करते हैं तो एकाकार हो जाते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा एक एक फीलिंग आती है। मेरा नाम नेहा जाधव है, मैं माँ फाउंडेशन वापी से हूँ। जिंदा रहना और जीने में एक ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग फिजिकली जहाँ होते हैं और मेंटली अगर हम लोग 10 और जगहों पे हैं तो वो जिंदा रहना है, लेकिन जब हम लोग जहाँ हैं बस वहीं हैं तो वो जीना है। मतलब जहाँ है वही, अभी जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, वो नहीं। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस पल में हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ तो मैं जी रही। अगर मैं बस यहाँ पे बोलते ना कि कंपल्शन की तरीके से हूँ तो वो जिंदा रहना है। सर, व्हेन होल डे इज प्लान्ड फॉर समवन एंड समथिंग एंड वी आर स्पेंडिंग द टाइम टू सेटिस्फाई समवन, इट इज जिंदा रहना। एंड देन इफ वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट or to achieve some values, it is jeevan, sir. That is what, for values. To achieve the values. मैं कुनील भाई पटेल, बड़ोड़ा से। जिंदा रहने में सिर्फ बाहरी दिखावा दिखाई देता है हमको, जॉब करता है नहीं करता है,
धंधा करता है नहीं करता है, लेकिन जीना जीने के लिए बाहर दिखाओ नहीं दिखाएगा ये जिंदा रहने में थिंग्स फूड ड्रिंक प्लेस और हाउस और जीने में इमोशंस गुड माइंडसेट और बैड माइंडसेट। देखते जाइए। हेलो जी, कहाँ हैं आप? यहाँ पे। हाँ, मेरे हिसाब से जब हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाती है, मनमानी पूरी हो जाती है। नहीं, अपेक्षाएं पूरी होती है, मनमानी नहीं, किसी से भी हो वो अपेक्षा। वही तो कह रहा हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वही मनमानी। मैं मनमानी बोलता हूँ तो आपको अलग टाइप का लगने लगता है, बोल आप वही रहे हो तो हमें जीना लगता है। जब तक वो अधूरी है तब तक हमें लगता है कि हम जी रहे हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा पूरा हो जाए, उसी को बोलते हैं मनमानी। और एक की मनमानी और दूसरे का, तो एक की मनमानी का पूरा होने का मतलब दूसरे का दुख हो सकता है कि नहीं? वो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हो यही रहा है। और फिर उसका दुखी होने से आपका दुखी होना होता है कि नहीं? वो भी होता है। गई भैंस? हाँ जी, हाँ बेटा सर बोली। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। तेजस, इंट्रोडक्शन भी देते जाओ अपना। तेजस भट्ट बरोड़ा। कौन से क्लास? डिप्लोमा। जिंदा रहने में हम फोर्सफुली जी रहे ऐसा लगता है, और जीने में लाइफ को एंजॉय कर रहे ऐसा फील होता है। और जिंदा रहने में चॉइसेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग को साथ में लेके चलना पड़ता है। और जीने में नो कॉम्प्रोमाइजेस, मनमानी चल सकती है। आपका जीना इतना ही। हाँ जी सर, पुनीत शाह मुंबई से हूँ। पीछे एक मक। हाँ सर, जिंदा रहने में वो सबकी ज़रूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन पैसा। और जब जब हम हमारी क्यूरियोसिटी, हमें जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर ढूंढना चालू करते और इन चीज़ों को समझना चालू करते कि पैसा क्यों चाहिए और उसकी प्लेस क्या है हमारे लाइफ में, और जब हम सवालों के प्रश्न ढूंढते तब हम कह सकते हैं कि हम जी रहे। हाँ, तो हम जीना चाहते हैं, अभी आंसर तो मिले नहीं। हाँ, तो प्रश्न ढूंढना या वैल्यूज के लिए प्लान करना, ये जीने की जिंदगी की तलाश है। तो कम से कम आपकी तलाश शुरू हुई ऐसा लगता है, जिंदगी अभी और आगे। हाँ जी, वत्सल पटेल। जिंदा रहना जो है दैट इज आउट ऑफ हार्मनी विद माई सेल्फ and my goals, my feelings, and my environment. Jabki jeena jo hai, that is with harmony, with and one is by force, one is self-motivated, and one is mindfulness. The factor of mindfulness is the differentiation between both. Badhiya, piche ek mic. Haan ji. Idhar ek mic. इधर दो माइक। हाँ, अगर कोई डॉक्टर ऐसा सोचे कि मैं दर्दी का दर्द कम कर दूं तो उसे जीना कहते हैं, और अगर वो ऐसा सोचे कि भाई 3 लाख का मेडिकल। ऐसे डॉक्टर को दर्द भरे लोग रात दिन चाहिए फिर भाई, आप बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरे का दर्द दूर करने से आपका आपको आपका जीना होता है, तो जीना 24/7 है, तो रात को सोओगे कि नहीं सोओगे? उसमें भी आपको एक दर्द भरा पेशेंट चाहिए ताकि आपका दर्द दूर करके आपका जीना हो जाए। और जिंदा रहने में यह आता है कि भाई कोई लाचारी करता है और रिश्वत लेता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसके पीछे जो भागता है उसे जिंदा रहना है। वो तो ठीक, बढ़िया। हाँ जी माइक। हाँ जी माइक वालों कहाँ हो? है मेरे पास। हाँ बड़ी बढ़िया। आप जिंदा रहने में मैंने लिखा, इंट्रोडक्शन देते जाओ साथ साथ। सर दीप जोशी और बड़ोड़ा, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहा हूँ। जिंदा रहने में मैंने लिखा है कि जो सिर्फ जिंदा रहता है वो अपने हर एक विचार को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है। क्या बात। लेकिन जो जीना है वो उसे विचार तो आते हैं लेकिन उसके पीछे वो रीजनिंग करता है और सह अस्तित्व के बारे में सोचता है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जो सिर्फ जिंदा रहता है उसमें सिर्फ चाह होती है, और जो जीना है उसमें प्रवाह होता है। बढ़िया। हाँ जी सर, आप बोलो।
हाँ जी बोलिए बोलिए आप। मैं स्मृति आनंद निकेतन शिला से। सर मेरे मन में क्वेश्चन आया कि हम सब ने मोर और लेस सेम बात लिखी है और मैंने भी लिखा है जो कि सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी मुझे मेरे मन में क्वेश्चन आया है कि ये जो जीना और जिंदा रहना, ये दोनों का परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, वो सबके लिए सेम होगा कि अलग होगा, ये कौन तय करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है सर, प्लीज आंसर कीजिए ना, मेरा दिमाग अभी जिंदा रहना है कि जीना है? आंसर मिल ना मिलने से बहुत परेशान हो जाना, ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? कोई तीसरी स्टेट खोजनी पड़ेगी। हाँ जी, उमेश शर्मा फ्रॉम आनंद निकेतन भारत कैंपस जी। सर जिंदा रहना मतलब प्रयोग मात्रा में आहार मिले, निंद्रा मिले, बायोलॉजिकली जिंदा, बायोलॉजिकली जो एक शरीर को जरूरत है, और जीना मतलब एक स्वयं के प्रति विश्वास हो और हर क्षण को उत्साहपूर्वक जिए, वो उसे जीना कहेंगे। इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं है, तो उसे जीना कहेंगे। मान लेते हाँ जी, माइक आगे, हाँ जी एक माइक पीछे, लास्ट में एक माइक आगे। हाँ नमस्कार सर, मैं भावना रावल बनासकांठा पालनपुर से, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई हूँ, और मैं ये मानती हूँ जिंदा रहना मतलब कि मेरी जो भौतिक सुख सुविधा के लिए मैं जो काम करती हूँ वो जिंदा रहना है, और भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए मैं जो काम करती हूँ इससे औरों को क्या फायदा, सहायता, मदद या कुछ उसकी सुखाकारी में बढ़ावा मिले, ऐसा मैं कोई काम कर सकूं तो उसको जीना कह सकते हैं, इससे मुझे भी आनंद मिले। जीना जो है 24/7 है कि नहीं? जीना 24/7 होता है। दूसरों की मदद करना यदि जीना है, हाँ। तो क्या 24/7 हो सकता है? हो सकता है, अकेला मदद करना नहीं, मैं किसी को परेशान ना करूं ये भी जीना ही है। आप किसी को परेशान ना करें ये जीना है, ये आप किसी को परेशान ना करें ये दूसरे को जीने देना है। हाँ वो भी वो जिए खुशहाली से, मैं परेशान ना करूं, तो उसके जीने की योग्यता होगी तो वो जी पाएगा। हाँ जी सर, थैंक यू। आप किसके किसके थ्रू आए? मैं सर मैंने पहले सुरेश भाई पटेल की शिविर लोक निकेतन में की थी, मगर मेरा ज्ञान अभी भी अधूरा है, मुझे ज्ञान की बहुत भूख थी, बहुत। मैंने आपकी भी शिविर जो ऑनलाइन है मैंने मानव व्यवहार तक देखी है। मैं ये मानती हूँ कि इतने साल मैंने एजुकेशन में काम किया मगर मेरे मुझे जो ज्ञान की तलाश थी वो तलाश मुझे 2 महीने से मिली है, तो मेरा ज्ञान अभी 2 महीने से चालू हुआ है, आगे सब एजुकेशन था। सरकार में आप ऐसा सोचने लगो तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सर, होगा होगा, थैंक यू। हाँ जी सर, भाई ने बोला कि बायोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो जीना है, खाना पीना, बातें करना, घूमना, पर अगर जो प्रकृति के नियम है आपने जो ढूंढे हैं उसमें से ये एक नियम है जो स्त्री पुरुष मानव प्रकृति, अगर ये नियम भीतर चेतना तक उतर जाए तो वो जो चेतना में होता है वही जीना है। हेलो अच्छा बोल रही है, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं है? है। जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है नहीं है? तो ये क्लैरिटी हमारी और बन गई कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है, इसलिए अलग शब्द चूज करना पड़ रहा है, ये क्लैरिटी बनी। बढ़िया, तो चलिए जितनी बात आपने कही है मैं उसको बोर्ड पर डाल देता हूँ, और कुछ किसी का कहने का मन हो रहा हो तो कह दीजिए, नहीं तो मैं उठता हूँ। हाँ बोलिए, माइक पीछे दीजिए बेटा, एक माइक पीछे देना, हाथ खड़ा कर दीजिए थोड़ा। हाँ हो गया, हो गया। हेलो हेलो, हूँ दक्षा बेन राजकोट थी आऊँ छू जी, अने हूँ थोड़ुक कहवा मांगू छू
कि जीना मतलब क्या होता है। जीना मतलब जब गांधी जी थे तब उन्होंने जो अंग्रेजों ने नीचे उतार दिया था ट्रेन से धक्का मार के, तब गांधी जी ने बोला था आज तुम मुझे ट्रेन से निकाल रहे हो, कल मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, उसे जीना कहते हैं। पर आज गांधी जी मर कर भी सबके खींचे में पड़े हैं पॉकेट मनी में, उसे जिंदा रहना कहते हैं। गांधी जी बहुत दुखी होंगे, लोग मेरा क्या कर रहे। हाँ जी चलिए चलिए इसको देखते हैं। देखिए जितनी बातें हुई हैं मैं उसको बोर्ड पे डालने की कोशिश करता हूं, तो जितनी बातें हुई हैं उसमें से एक हम कह रहे हैं कि आदमी का जिंदा रहने की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम चार विषय की बात करते हैं। चार विषय का मतलब है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये चार चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हम भी और पशु भी जिंदा बने हुए हैं और आगे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। जब चार विषय की बात करते हैं तो उसके साथ में पांच इंद्रियां भी हैं जिसको हम कभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में पहचानते हैं। फाइव सेंसेस आंख, नाक, कान, तो ये भी साथ में है ही है। अब थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं और धीरे से आगे बढ़ेंगे ताकि हम क्लियरली पहचान पाएं कि सही अर्थों में जिंदा रहने और जीने को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा एड्रेस ही गलत है और उसके लिए मैंने पहले सब आप सब लोग के हाथ उठवा लिए हैं। आप में से अधिकांश लोग ये मानते ही हैं कि हम जी रहे हैं, पहले शिविर में सभी ऐसे ही मान के आते हैं। धीरे से क्या सामने आएगा उसको देखें समझेंगे और गैप पकड़ में आएगा तो फिर उसको कैसे फिलअप करेंगे उसकी आगे तैयारी करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पांच इंद्रियां और चार विषय मानव के पास भी हैं, पशु के पास भी हैं, है ना, गाय, कुत्ता, ये सबके पास भी आंख, नाक, कान, स्पर्श सब कुछ होता ही। तो चार विषय और पांच इंद्रियों को देखें तो इस मामले में मानव का जिंदा रहना और पशु का जिंदा रहने में जैसा मानव चार विषय को यूज करता है और पांच इंद्रियों को यूज करता है, क्या पशु भी ऐसे ही यूज करता है, कैसा लगता है? चार विषय और पांच इंद्रियों को यूज करने के यूज करके जिंदा रहने के मामले में पशु और मानव एक ही जैसा है कि इसमें कुछ अंतर है? एक ही जैसा है, हाथ उठाएं कितने लोगों को लगता है एक ही जैसा है। जो लोग पहला शिविर किए हुए हैं उनको नहीं करें, जो लोग पहला शिविर कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कितने लोगों को लगता है कि ये अलग है। जो लोग पहला शिविर कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कितने लोगों को लगता है कि ये अलग है। ठीक है, दो तीन लोगों ने हाथ उठाया, इनको माइक दीजिए। कैसे है? हाँ और क्या? तो आपको हाथ खड़े करने से संकोच नहीं करना है और माइक से बोलने से भी संकोच नहीं करना। जिंदा रहने के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग को भी खाना चाहिए, निद्रा चाहिए, भय, प्रजनन, सब वो इंसान भी करता है, पशु में भी है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका अनुभव इंसान को है, इन विषयों का अनुभव, इंद्रियों का, लेकिन पशु को इन इंद्रियों का अनुभव कहाँ है? उनके पास कोई शब्द नहीं है, रूप, रस, गंध, उनके पास उनके शब्द हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर कैसे कंपैरिजन होगा? फिर हम ये बोलेंगे कि उनके पास उनका है, हमारे पास हमारा है, तो कंपैरिजन नहीं है फिर उस सेंस में। ठीक, हमारे पास भाषा है, उनके पास में शब्दों वाली भाषा नहीं है। ठीक बात, इस सेंस में आप कह रहे हैं। यस, बढ़िया। और कोई कहना चाहेगा? माइक। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन देते जाइए। दिनेश भाई राठौड़, पालनपुर से जी। पशु में बुद्धि नहीं है और मनुष्य में बुद्धि है। हाँ, अभी अपन इन चार इंद्रियों की बात कर रहे हैं, पांच विषय और चार विषय और पांच इंद्रियों के मामले में मानव का जिंदा रहना और पशु का जिंदा रहने में क्या अंतर है? दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग है? सेम है, सेम ही है, सेम ही है। कितने लोगों को लगता है सेम ही है, हाथ उठाओ फिर से।
जोरदार हाथ उठाया गया ऐसे ऊंचा हो, गुड। कितने लोग को लगता है अलग अलग है जो पहली बार शिविर कर रहे हैं? एक दो, चलो इनको माइक। हाँ बोलो, आपको अलग अलग लग रहा है? नहीं मुझे अलग नहीं लगता। नहीं लग रहा, सेम सेम लग रहा। अच्छा, मेरे को लगा कि आपको अलग है। हाँ जी, अब देखिए देखिए, आप अधिकांश लोग मान रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन क्लियरली एक अंतर है उसको देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके पीछे रीजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानव को देखते हैं तो मानव क्या करता है? मानव चार विषय को यूज करता है, मानव चार विषय को यूज करता है, आहार निद्रा भय और प्रजनन को यूज करता है, ताकि पांचों इंद्रियों से वो सुख पा सके। पशु जस्ट इसके रिवर्स करता है, पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय को यूज करके वो जिंदा रह सके। तो दोनों में पहुंचा कि फिर से बोलूं? फिर से रिपीट करता हूं, मानव चार विषय को यूज करता है ताकि पांच इंद्रियों से सुख पा सके। क्लियर? पशु पांच इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय पूर्वक जिंदा रह सके। ध्यान में आ गया क्या अंतर है दोनों में? मानव और पशु के चार विषय और पांच इंद्रियों को यूज करने का जो मैकेनिज्म है, तो दोनों में क्या अंतर है? पशु में जिंदा रहना उसका सेंटर है, मानव में सुखी होना उसका सेंटर है। कभी सुबह उठ के ऐसा सोचते हो कि आज मैं क्या खाऊं कि मैं जिंदा रहूंगा? क्या सोचते हो आज क्या बनाओगे? क्या ध्यान कहां पे है? स्वाद पे। खाने से आज क्या मजा आने वाला है? तो हमारा ध्यान देखो, इससे यह भी पता चलता है कि मानव इतने इवोल्व स्पेसीज है कि वो जिंदा रहने का सोच ही नहीं रहा। मानव जिंदा रहने का कब सोचता है? जब मरने का सवाल क्रिएट होता है। तो जब मरने का सवाल क्रिएट होता है तब वो केवल जिंदा रहने का सोचता है। नॉर्मल परिस्थितियों में वो जिंदा रहने का कभी सोचता ही नहीं है। मजा किधर से आने वाला है? इस मजे में बाय डिफॉल्ट वो जिंदा रहता है। ताली ठीक से बजा सकते हैं? ऐसा क्यों है? इवॉल्व है। इवॉल्व किस सेंस में है? एनालिटिकल कैपेसिटी है, रीजनिंग है। तो इससे समझ में आया कि बेसिकली धरती के सभी मानव को दो वरदान प्राप्त है। एक तो सभी मानव में कल्पनाशीलता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है। धरती के सभी मानव में कर्म स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ वर्क है, स्वतंत्रता। पशु में कल्पनाशीलता नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। ये बात कितने लोगों को ठीक नहीं लगती है? पशु में कल्पनाशीलता नहीं है, मानव में कल्पनाशीलता है। कितने लोगों को लगता है नहीं है तो ठीक नहीं लग रहा है, पशु में भी कल्पनाशीलता होता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? तो दो चार लोगों को लगता है। तो जब कल्पनाशीलता बोल रहे हैं, कल्पनाशीलता का मतलब है जैसे ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे कि एक बाप का बढ़िया एस्टेब्लिश बिजनेस है और बेटे को कॉलेज से निकल के केवल सीट पर बैठना है, लेकिन बेटा कहता है फिर मैंने क्या किया, तो मैं कुछ अपना करूंगा। तो इस जर्नी में क्या दिखाई देता है ना? इस जर्नी में दिखाई देता है कि उसका जिंदा रहना कहीं उसकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। वो शुद्ध रूप से अपनी क्रिएटिविटी को देखना चाहता है, अपने क्रिएशन को देखना चाहता है ना? तो वैसे ही हमने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि यदि बंदर जैसा प्राणी, पशु जो भी बोलो, उसका आदमी के जैसा हाथ पैर है, फिर भी वो अपना घर नहीं बनाता है, तो हजारों साल से अपना घर नहीं बनाया है, आने वाले सालों में भी वो अपना घर नहीं बनाएगा। शेर जंगल का राजा आपके अनुसार होता है, क्योंकि हम सबको राजा बनने का शौक था, तो किसी एक को टोपी पहना दिए, वो बेचारा बेघर होता है, उसका घर पहले भी कभी नहीं था, भविष्य में भी कभी नहीं होगा। हम अपने घर में और कुछ ना करें तो बेडरूम बेड उठा के इधर से उधर रख देंगे, पर्दे बदल देंगे, कुछ और कर देंगे,
और हमारा जैसा भी ठीक ठाक घर है बेटा उसको तोड़ के कुछ और बना देगा, लेकिन एक चिड़िया जैसा घर बनाती है, चिड़िया कुछ अच्छे अच्छे घोंसले बनाती है, वो जैसा घोंसला बनाती है वैसा ही बनाती है, हजारों साल से वैसा ही बनाएगी, उसने 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं किया है। तो क्या समझ में आया? कल्पनाशीलता का मतलब है, इसलिए पशु में कल्पनाशीलता नहीं है, आंशिक रूप से विचार रहता है, लेकिन उसका विचार उसके जिंदा रहने के अर्थ में रहता है, उसका विचार उसकी वंश परंपरा के अनुसार रहता है, उसकी वंश परंपरा को वो लांग नहीं पाएगा, उसको चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए कहा कि मानव में कल्पनाशीलता है। संत का बेटा डाकू और डाकू का बेटा संत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ वो फ्रीडम है कि जैसा मानव, जैसे फैमिली में चलता आ रहा है, जैसे मेरे धर्म में चलता आ रहा है, माँ बाप शाकाहारी हो सकते हैं, बच्चा मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी परिवार में शाकाहारी बच्चा हो सकता है। इन तमाम चीजों को देखेंगे तो अपनी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस में एक मानव का बच्चा इंडिपेंडेंट है, जबकि पशु का बच्चा जैसा उस वंश परंपरा में होता है वैसा ही चलने के लिए बाध्य है। इस सेंस में कह रहे हैं कि पशु में कल्पनाशीलता नहीं होता, आंशिक रूप से विचार होता है ना, लेकिन वो शरीर की सीमा में होता है, उस वंश की सीमा में होता है। तो सभी मानव के पास में 2 वरदान प्राप्त हैं, सभी मानव में पावर ऑफ इमेजिनेशन है, सभी मानव में पावर ऑफ फ्रीडम है ना, काम करने की स्वतंत्रता है। ये क्यों है? ये है, अभी यहां टिकते हैं, ये है तो मानव इतने में ही चुपचाप नहीं बैठता है, मानव की दूसरी तलाश है तो उसकी पहचान की तलाश है, मानव में उसकी सम्मान की तलाश है। जिस तरह से शरीर को जिंदा रखने की आवश्यकता है मानव में, उसी तरह से मानव में एक दूसरी जरूरत भी है जो उसकी पहचान और उसके सम्मान की तलाश है। पहचान और सम्मान की तलाश उसके जिंदा रहने की तलाश है कि उसके जीने की तलाश है? पीछे वालों साथ में चल रहे सब? तो पहचान और सम्मान की तलाश उसके जिंदा रहने की तलाश है कि उसके जीने की तलाश है? क्या लग रहा है? यहाँ आके सब गड़बड़ हो गए। मानव में सम्मान और पहचान की तलाश उतनी ही, बल्कि रोटी से ज्यादा आदमी की कहीं ना कहीं बोलेंगे तो आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। वो भी ऐसा नहीं बोलता है कि 2 रोटी अपमान की चाहिए। तो मानव के साथ वो जुड़ा ही हुआ है कि उसके सम्मान और पहचान की उसकी जरूरत है। ये जरूरत तो उसके जिंदा रहने के लिए है कि जरूरत उसके जीने के लिए है? बोल नहीं रहे हो? जीने के लिए है, है ना। जिंदा रहना शरीर का होता है, जीना मेरा होता है, मैं उसको और आगे समझेंगे, है ना, शरीर के। तो ये क्लैरिटी मेरी बने, लेकिन उसको पूरा करने का तरीका अभी हमारा कैसा है? अभी हमारी सम्मान और पहचान कहां से पूरी हो रही है? तो अभी मानव में सम्मान और पहचान को पूरा करने के लिए जो बड़ा, बड़े साधन है, कभी रूप से, कभी बल से, कभी धन से, और कभी पद से, सामाजिक रूप में जो स्वीकार्य पहचान है, इसमें से देखिए इसके अलावा और कुछ करते हैं क्या आप? आपका सम्मान, आपकी पहचान, आपकी इज्जत, बुद्धि से क्या करते हो? आप अपनी बात बताओ, आप बुद्धि से ऐसा क्या करते हो जो आपकी पहचान इन 4 से अलग हो जाती है? सर, अगर आपके पास वो विजडम है, वो बुद्धि है, तो आपकी अपनी एक पहचान होती है ना, लोग आपको जानते हैं। जैसे? जैसे मैं अगर आज मैं सपोज कुछ बोल रही हूँ जो कि सही है, मेरी बुद्धि से जो मैं बात कर रही हूँ, तो मेरी अपनी एक पहचान मैं कैरी कर रही हूँ ना। नहीं, अगर मगर में बात है, अभी प्रैक्टिकली बताइए है कि वो ये मेरा मींस, मे बी मैं शायद क्लियर नहीं हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है। मैं तो क्लियर हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। नहीं, आपकी क्लैरिटी को मेरे को नकारने की कोई इच्छा नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिकली अभी जिस परिवार और समाज के रूप में हम जी रहे होते हैं,
वहां सही अर्थों में देखो, अभी तो जिसको हम सही मान रहे होते हैं स्ट्रगल उसी बात पे चल रहा होता है कि जो हमको ठीक लगता है कई बार हमारी फैमिली के बाकी लोगों को वही ठीक नहीं लग रहा होता है और उसी में जूझ रहे होते हैं। लेकिन अभी जिसको हम सम्मान और पहचान मानते हैं वो कैसा है, जो बाहर से लोग हमको देते हैं, समाज हमको कैसे पहचानता है और उसके लिए हम क्या करते हैं। बोलना चाह रही थी कि पहचान और सम्मान की बात के लिए ये जो चार पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, रूप बल धन पद, तो मेरा ये कहना था कि मतलब मुझे लोग रूप बल धन और पद के अलावा, जैसे मैंने एक पॉइंट पहले भी बोला, आपकी जो बुद्धि आपका विजडम है उससे भी लोग आपको पहचानते हैं। फिर अगर आज मेरा घर में लोगों की भाषा में मेरी पहचान अलग अलग है, मेरे बच्चों के लिए मेरी पहचान एक अलग है, मेरी इन लॉज के लिए मेरी पहचान अलग है, पति के लिए पहचान अलग है, पर पहचान तो है, उसके लिए वो रूप पल और बल और धन पद किधर आया। तो ये भी देखना है कि वो पहचान किस अर्थ में है। हाँ, मतलब घर में बच्चों को लगता है कि आपके घर में, जैसे अभी अभी यदि हम इस बात पे चर्चा करें कि सही मायने में अभी हम अपने बच्चों के जिंदा रहने में ज्यादा सहयोगी हैं कि उनके जीने में सहयोगी हैं, तो हम परिवार के जिंदा रहने में सहयोगी हैं, घर की पूरी व्यवस्था संभालते हैं, उनके शरीर का केयर करते हैं, तो वो एक पहचान हमारी हो गई है, वो हमारी पहचान हो गई है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये चीज फिर किधर आएगा, किधर आएगा। ये पॉइंट बहुत वैलिड है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, है ना, लेकिन पॉइंट वैलिड है, पॉइंट एक्सेप्टेड, ठीक, इस पे चर्चा करेंगे। हाँ जी, लेकिन 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 अभी अभी जिस पॉइंट पे चर्चा हो रही है उसमें यह है कि जिस तरह से अभी हम समाज में हमारा जो स्टेटस, जैसा जिसको हम स्टेटस बोल रहे हैं, यदि जब हम अपने समाज में अपनी पहचान को देखने जाते हैं तो उसके लिए हम मेजर क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। हाँ जी, ये बल में बुद्धि बल आ ही जाएगा, बल में शरीर बल है, बुद्धि बल नहीं आता है, ये शरीर वाला बल है, फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल। बढ़िया, हाँ जी, और कोई शेयरिंग, और कोई शेयरिंग। हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। मैं मैम की बात पे बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने बोला कि घर में बच्चों के लिए, इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, तो वो हमारा एक पद है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज समवन, तो वो हमारा पद, इट इज नॉट ऑलवेज कि पद इज ओनली योर टीचरशिप और वॉट एवर योर प्रोफेशन, इट इज इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, उससे भी किसी लेवल तक कनेक्ट होता है, पर आपके पॉइंट में भी दम है, उसकी बात करेंगे। कनेक्ट जरूर होता है क्योंकि वो भी एक पद है और उस पद पे भी रह के हम कुछ काम कैसे कर रहे हैं, पर उसको ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो जब चर्चा यहाँ आ गई है और एक कंफ्यूजन हमको लग रहा है तो फिर मैं इधर वाला पार्ट खोल देता हूं। चलो इधर से शुरू करते हैं और फिर वापस लौटेंगे उस साइड में कि फिर जीना किसको बोल रहे हैं, जीना किसको बोल रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्या जीना नहीं है, कब जीना नहीं हो रहा है। तो कब जीना नहीं हो रहा है, जैसे गरीबी में जीना होता है कि झेलना होता है, ठीक, गरीबी, गरीबी चाहते हैं क्या, गरीबी हम नहीं चाहते, ठीक। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, फियर के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, रिलेशंस में कड़वाहट है उसको जीना होता है कि झेलना होता है। जैसे हमको पता चला कि या तो जीना होता है नहीं तो झेलना होता है, तो बेसिकली जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ये सब का नाम झेलना है, इसको हम जीना नहीं बोलते। फिर जीना किसको बोल रहे हैं, तो दूसरी भाषा यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। अब थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, स्वयं के प्रति विश्वास मतलब क्या। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, दोनों में क्या फर्क है। स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, दोनों में क्या फर्क है। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया
और स्वयं के प्रति विश्वास आएगा तो इसकी पहचान क्या होगी? माइक, माइक, हाँ बताइए, हाँ क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि ये स्वयं के प्रति विश्वास भी हमारे लिए बहुत थोड़ी उलझी हुई भाषा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं के प्रति विश्वास और गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास, ये एक फिजिकल है और एक मेंटल है। जैसे स्वयं के प्रति, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास स्वयं में है कि शरीर में है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास शरीर में है, ये फिजिकल लेवल पर है, और स्वयं के प्रति विश्वास जो मेंटली है, मेंटल लेवल पर। कितने लोगों को लगता है कि गाड़ी चलाने का विश्वास भी मुझे में होता है और स्वयं के प्रति विश्वास भी मुझे में होता है, लेकिन गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आता है और स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आता है, दो अलग अलग बातें हैं। गुड, कौन बोलेगा? माइक, आप इंट्रोडक्शन। भूमि नाम है मेरा, सूरत से आए, टीचर है मुझे। सर, गाड़ी चलाने के प्रति जो विश्वास है मेरा, वो सीख के आता है। गाड़ी सीखने से आया? ट्रेनिंग लिया। स्वयं के प्रति विश्वास में ऐसा फर्क ऐसा है, स्वयं के प्रति विश्वास मतलब जब आपके सामने कोई आ जाता है या आपको कोई वो रिएक्ट करता है या तो उससे आप स्थिर रहते हैं, मतलब आप में कोई फर्क नहीं आता है, तो वो स्वयं के प्रति विश्वास है। बाजू में दीजिए। सर, गाड़ी के जो रूल्स है चलाने के, अगर वो रूल्स जान लिए तो भीतर वो विश्वास आ जाता है, फिर प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिकली आता है। और स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आता है? तो जैसे गाड़ी चलाने के रूल्स होंगे, ऐसे स्वयं के भी कोई रूल्स होंगे। सिंपल सी बात है ना, वो पहले बोला ना कि प्रकृति के जो नियम है, अगर वो पहचानते जाते हैं हम, इसमें से एक नियम ये है, तो ये एक नियम से हमारे भीतर की प्रकृति खुलती है। ऐसे बहुत सारे नियम्स हैं, वो नियम अगर हम जानते जाए तो हमारी प्रकृति खुलती है, उस खुलाव में ही विश्वास पैदा होता है, और उसी विश्वास से ये बाहर का जो सर्कल है उसमें विश्वास आता है। हाँ जी, कितने लोगों तक बात पहुँच रही? कोई और बोलना चाहेगा? हाँ, वो बिटिया बोले, मास्क वाले, माइक तो नहीं, तुमने हाथ नहीं उठाया तो नहीं बोलो, कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई बोले? हाँ, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। पीछे दीजिए, इधर पीछे, इधर। हाँ जी, सुनिए। हेलो, स्वयं के प्रति विश्वास यानी कि कोई भी परिस्थिति है उसमें अपने में हिलन डुलन ना हो। सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई बड़े आदमी को देखते हैं तो हम छोटापन फील करते हैं, तो ये सारी हिलन डुलन से मुक्ति यानी अपने आप में स्थिर, जैसे गाड़ी हम स्ट्रेट चला के ले जाते हैं सीधी से, कोई भी ट्रैफिक हो तो उसमें कितना भी ट्रैफिक आए तो वो अच्छा ड्राइवर रहेगा, तो कैसा भी ट्रैफिक हो, कैसी भी रोड हो, उसको हिलन डुलन नहीं हो रहा है, उसका भीतर का कॉन्फिडेंस स्टेबल है कि मैं गाड़ी निकाल लूंगा। ऐसी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो मैं स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ बना रहता हूँ और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं गाड़ी निकाल लूंगा। इतना। हाँ जी, ओके। हाँ, गाड़ी में चला लेता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस से मैंने चला लिया। और स्वयं में विश्वास इस तरह से है कि मुझे अब गियर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं। हाँ, गाड़ी का ही विश्वास। तो एक क्लैरिटी ये हो गई कि गाड़ी चलाने का विश्वास भी स्वयं में है और स्वयं के प्रति विश्वास भी स्वयं में है, लेकिन गाड़ी चलाने का विश्वास गाड़ी के नियम को समझ में आया है, स्वयं को चलाने का विश्वास स्वयं के नियम को समझ के आएगा, ऐसा हम डिफरेंशिएट कर पाए। हाँ जी, हो गया। हेलो, हाँ, किधर है आप? हाँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग ऑफ अ कार देन इट्स अ स्किल्स। हाँ, बट इफ यू टॉक अबाउट another thing, that is a mental. So if you are mentally strong enough, then you can handle any situation. And if you have got a skill how to drive a car, that comes out of practice. There is a difference. One is physical, another is mental. हाँ, मतलब ये भी हमको स्वीकारना होगा कि दोनों हैं तो दोनों mental ही। गाड़ी चलाना भी, मेरे गाड़ी चलाने का जो skill है
वो भी मेरा मेंटल फिनोमेना ही है, लेकिन वो गाड़ी चलाने को लेके है। ये जो स्वयं को, स्वयं के प्रति विश्वास है, ये स्वयं को लेके, स्वयं भी कोई एंटिटी है। Yeah. वो जो स्वयं नाम की एंटिटी है, गाड़ी के नियम को समझता हूं तो गाड़ी चला देता हूं, लेकिन गाड़ी चलाने का विश्वास भी स्वयं में है, लेकिन स्वयं को चलाने का विश्वास नहीं है, क्योंकि स्वयं के नियम को नहीं समझता हूं, स्वयं नाम की एंटिटी को मैं ठीक से नहीं पहचानता।